ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू हुंडई नेक्सो। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। ये एक हाइड्रोजन पावर्ड कार है। अगर आप समझना चाहते हैं कि ये कैसे चलेगी, तो सिंपल सी बात है, जो हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी होती है उसको ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे ये गाड़ी चलेगी। फिलहाल आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। शानदार सी आपको पूरी फील आएगी जब आप इसको देखोगे। किसी भी कार से करंटली आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं हुंडई की तरफ से। हुंडई की ब्रॉड सी ब्रांडिंग, फ्रंट कैमरा आप इधर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कंपनी का लिंक, वहाँ जाके आप इसके बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। साथ में कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा, उसको भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रंट आपने देख लिया, अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वन फ्रेम व्यू देने की कोशिश करते हैं। कंप्लीटली आप इसका साइड प्रोफाइल देख सकते हो। इधर अपना जो व्हील एरिया है वो आप चेक कर लीजिए। मिशलिन के आपको टायर्स प्रोवाइड करे गए हैं। ORVMs आपके पियानो ब्लैक फिनिश में हैं, इंडिकेटर इंसर्ट है। फ्यूचर गाड़ियां हैं ये सब। अगर आप मोबिलिटी के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पहले इसका जो अपर पार्ट है, अपर प्रोफाइल है, वो आप चेक कर लो। रूफ चेक कर लो, रूफ रेल्स आपको इंसर्टेड मिलती हैं बॉडी में सिल्वर फिनिश पे। मोबिलिटी की बात कर रहे थे तो आगे जाके कुछ ही सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो अब आने ही लगे हैं मार्केट में, रेडली अब मिलने भी लगे हैं। अगर आप पहली इंपॉर्टेंट गाड़ी की बात करते तो MG ZS EV थी। फिलहाल आप बाहर से इसका इंटीरियर देख लीजिए, अभी अंदर से भी पूरा चेक कराएंगे। ऐसा नहीं है खाली बाहर से आपको विंडो से दिखाने वाले हैं। चलते जाते हैं पीछे की तरफ और ऐसे ही इसका पहले आपको बैक प्रोफाइल चेक करा देते हैं। अभी इसकी कीज़ के लिए मैंने बोला हुआ है, जैसे ही अवेलेबल होंगी आपको इंटीरियर भी आगे देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सा, बिल्कुल सिंपल सा आपको इसका बैक प्रोफाइल लगेगा। हाई स्टॉप लैम्प है, डिफॉगर है, शार्क फिन एंटीना दिया गया आपको। रियर वाइपर नहीं, अगर दे देते तो काफ़ी बढ़िया रहता। हुंडई की ब्रांडिंग क्रोम पे है, नेक्सो की ब्रांडिंग भी। इधर अपने आप जो टेल लैम्प्स हैं वो आप देख लीजिए, टोटली आपको LED का यूसेज देखने को मिलेगा। अब आ गए हैं फिलहाल अभी ड्राइवर साइड, लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी दिखाई गई है। हम लोग के यहाँ राइट हैंड ड्राइव चलती है, तो जब लॉन्च होगी तो राइट हैंड ड्राइव ही मिलेगी आपको, इसलिए परेशान मत होइएगा। अंदर चलते हैं, अब इसका इंटीरियर है वो ओपन कर लेते हैं। फिलहाल ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो अंदर बैठ के तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन पहले आपको डोर चेक करा देते हैं। इनको भी लुत्फ लेने दीजिए गाड़ी का, आखिरकार फ्यूचर जनरेशन है, यही लोग शायद ये गाड़ियाँ चलाने वाले हैं आगे जाके। सीट एडजस्टमेंट्स आपको ऑटोमेटिक दी गई हैं, जो आप शायद उम्मीद करेंगे भी इस गाड़ी से। भाई साहब जो गाड़ी में बैठे हुए हैं अभी ड्राइवर सीट पे, बड़े ही आराम से गाड़ी का लुत्फ ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं किस में बैठा हुआ हूँ। कुछ इनको भी अलग सी शायद फीलिंग आ रही है, जैसे आपको आ रही होगी। पूरा आपका जो क्लस्टर है इंफोटेनमेंट सिस्टम का, इंस्ट्रूमेंट कंसोल का, पूरा एक में दिया गया। ऐसा कुछ आपने मर्सिडीज़ में भी देखा हुआ, जो लेटेस्ट ऑफरिंग्स आती हैं इस क्लास वगैरह, पूरा ऑल डिजिटल, ऑल पूरा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। लेटेस्ट टेक है, अब आफ्टर ऑल जब हाइड्रोजन पे गाड़ी चल रही तो उसी हिसाब से पूरा इसका इंटीरियर वगैरह भी देंगे ये लोग। डुअल कॉम्बिनेशन स्टीयरिंग आपको प्रोवाइड करी गई है। भाई साहब को अलविदा बोलते हैं और चलते हैं गाड़ी के अंदर, और पहले जो इसका सेंटर कंसोल है पूरा आपको चेक करा देते हैं। होस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपको इधर देखने को मिल रहे हैं। इधर आपको जो कप होल्डर है वो देख लीजिए, USB प्रोवाइड करी गई है। इसको बंद कर देते हैं। कंप्लीट आप इसके डैशबोर्ड का व्यू ले सकते हो, जो डुअल कॉम्बिनेशन पे दिया गया है, देख लीजिए आराम से अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा कंपनी का लिंक, वहाँ जाके आप इसके बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। इधर अपने आप जो पेडल्स वगैरह हैं वो आप चेक कर सकते हो। हुंडई की ब्रांडिंग मिलती है स्टेयरिंग पे, क्रोम पे। इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं। नैरो AC वेंट्स आपको दिए गए, लेकिन एयर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अपनी जो रूफ है वो आप देख लो, इधर से पूरा कंप्लीट व्यू आपको मिल जाएगा। इधर भी आप व्यू ले सकते हैं। इधर आपकी जो USBs हैं वो आपको प्रोवाइड करी गई हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, काफ़ी नीचे दिया गया है ये, अब डिज़ाइन के हिसाब से ये किया है। शायद ऊपर देते हो तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब जो इसकी रियर सीटिंग है वो आपको चेक करा देते हैं। आर्मरेस्ट दिख रहा है, रियर AC वेंट्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं। नीचे आपको शायद ये सॉकेट दिया गया, खोल के देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2-pin सॉकेट दे दिया गया है। आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स प्रोवाइड करा गया, काफ़ी ब्रॉड सा दिया गया है और बढ़िया क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। इसको वापस से ओपन कर देते हैं, काफ़ी लोग हैं इधर तो उनको भी इन्जॉय करने देते हैं गाड़ी। कंप्लीट आप जो इसकी एंट्रेंस है वो आप देख सकते हो। हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियों के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए, तो मैं रिलेटेड लिंक्स लगाने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप इस टाइप की कुछ गाड़ियों के बारे में डिटेल ले सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर विजिट कर लेना। इसके अलावा मैं कंपनी का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे जाके स्पेसिफिकली अगर इस गाड़ी के बारे में केवल जानना चाहते हो
तो वो आप देख पाओगे, क्लिक करके ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। अब इसका जो सेंटर कंसोल है और पूरा डैशबोर्ड है वो वन फ्रेम व्यू आपको मिल रहा है। हमेशा मैं आपको हर गाड़ी में ये चीज़ दिखाता हूँ। वापस से बाहर चलते हैं और इसका जो अब बोल सकते हैं कि बूट है वो भी ओपन करने की कोशिश कर लेते हैं और जो स्पेसेस हैं वो आपको चेक करा देते हैं, क्योंकि बूट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गाड़ी का और बहुत ही शानदार सा बूट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारी स्पेस इधर अवेलेबल है, देख लीजिए आराम से। और ऑटोमेटिक आपको जो क्लोजिंग है वो भी दी गई है, मस्त आप अपना इसको ऐसे क्लोज कर सकते हो। दोस्तों कोई मन में क्वेरी आ रही हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, अपने मन में मत रखिएगा। अब ओपन कर लेते हैं को ड्राइवर साइड और इधर से भी पूरा आपको लुत्फ दे देते हैं। ग्लव बॉक्स ओपन कर लेते हैं, लाइटेड ग्लव बॉक्स आपको दिया गया है, काफ़ी डीप सा ग्लव बॉक्स अवेलेबल है। इधर अपनी आप USBs का क्लोज से लुक ले सकते हो पूरा, और ड्राइवर को ड्राइवर साइड भी आपको ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। अभी अगर बात करते तो काफ़ी एक्सपेंसिव ये होने वाली हैं गाड़ियाँ, जैसा उम्मीद लग रही है अभी, बाकी जब लॉन्च होंगी, क्योंकि अभी नियर फ्यूचर में लॉन्च होते हुए नहीं दिख रही हैं जो बात है। बाकी अपने जो हेडरेस्ट हैं वो आप देख लीजिए, सीट की जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी आप अपने व्यूज़ बता सकते हो। इधर आपने जो बटन कंट्रोल्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, पूरा फ्लैट पैनल, पूरा फ्लोइंग पैनल प्रोवाइड किया गया है। इसका जो अंडर आर्मरेस्ट एरिया है वो भी चेक करा देते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप है ये आप देख सकते हो। अब वीडियो में ख़त्म करता हूँ, मेरे हिसाब से मैंने आपको गाड़ी अच्छे से दिखा दी है। अपना सपोर्ट बना के रखिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।